Hello everyone. Welcome back to our Learn Guru classes, class 10th. Here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. And today we are here, we are taking the chapter of geography further. Hum aage lekar chalte hain us chapter ko as we were doing. That was Lifelines of National Economy, chapter 7 of your book. Clear? So today we are taking on the chapter further with the part 3 of the chapter. Part 1 and part 2 were already done. And we were on the topic that we were doing modes of transportation, जिसमें हमने railways and roadways, it was clear, it was done. Now we are heading on to the part 3 of the chapter in which we will do pipelines, waterways and airways. हम इन तीनों mode of transportation के बारे में read करेंगे. That what all things are there in the pipelines, waterways and airways में क्या है? What are the challenges that these modes of transportation are facing, comparison and all. Chaliye, let's get started. Part 3, Lifelines of National Economy, Social Science. Pipelines ka hum aaj topic karne lage hain. What it is? Achha, pipelines bacha kya hoti hain? Pipelines hoti hain, aapko pata hai, jaise petrol hai and various other liquid jo resources hai, liquid jo resources hai, wo pipelines ke through generate hote hain from one place to the other. न्यू फाउंड एक नया ट्रांसपोर्टेशन, न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. अर्लियर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर, नाउ ट्रांसपोर्ट, पहले सिर्फ एक वाटर के लिए था, टू डाइसेक्ट द वाटर फ्रॉम वन वे टू द अदर, वन प्लेस टू द अदर, बट नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स एंड बिग थर्मल प्लांट्स इज डन बाय पाइपलाइंस. बहुत बड़े बड़े पता है थर्मल प्लांट्स लग चुके हैं, गैस पाइपलाइंस होती हैं, गैस वगैरह को डाइसेक्ट करने के लिए फ्रॉम द अदर प्लेसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह. सो दीज आर द काइंड ऑफ पाइपलाइंस एंड इट इज ऑल्सो देयर कि अंडर वाटर भी इट कैन गो, हम अंडर वाटर भी इन्हें प्लेस कर सकते हैं. इनिशियल कॉस्ट, पता है इनके ये फीचर्स हैं पाइपलाइंस के, जो इनकी एक इनिशियल मतलब इनको ले डाउन करने की, लगाने की, इतना बड़ा बच्चे थर्मल प्लांट लगना है तो उनकी एक इनिशियल स्टार्टिंग में लगाने की कॉस्ट इज हाई. ऑल्सो देयर इज लो चांस ऑफ ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डीले. नीचे तो कोई अंडरग्राउंड ट्रैफिक नहीं है ना, तो डीले के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं एंड ऑल्सो द लॉसेस आर ऑल्सो लेस, लॉस के चांसेस भी लेस हैं. हाँ, होता है दैट पाइपलाइंस इट कैन टियर इट अपॉन और इट कैन कॉज लॉस, बट देयर आर वेरी रेयर इश्यूज फॉर दैट बिकॉज इतनी ज्यादा इनिशियल कॉस्ट के साथ एक बहुत अच्छी क्वालिटी प्लस ऑल द टेक्नोलॉजी के साथ इन्हें सेटअप किया जाता है. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ पाइपलाइंस, राइट. चलिए नाउ नेक्स्ट वी आर हेडिंग ऑन टू द वाटरवेज. कौन से हैं, व्हाट आर वाटरवेज? नाउ वाटरवेज के फीचर्स क्या हैं? रोल प्लेड बाय इट इन स्प्रेडिंग कॉमर्स एंड कल्चर, ships and various other yachts are there. तो ये क्या ये waterways में आते हैं? What they do? अब ship से इतना ज़्यादा हमारा transport होता है, export, import, marine trade जिसे बोला जाता है, role played in spreading Indian commerce, Indian business को spread करने में बहुत ज़्यादा एक important role play है waterways का. बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिसोर्सेज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, द रिसोर्सेज जिसमें इंडिया डेफिशिएंट है हम वो इम्पोर्ट कराएंगे, जिसमें इंडिया एफिशिएंट है हम वो एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्रीज में. तो इट इज़ नीडेड एंड सबसे ज़्यादा ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है दैट इज डन बाय वाटरवेज ओनली. चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और प्लस इट इज़ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, कोई इसमें एक एनवायरमेंट को इट इज नॉट हार्मिंग, फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है, चीपेस्ट है, इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है इसमें. हाँ, शिप्स वगैरह में उसको लिंक की कॉस्ट है बट आफ्टर दैट इट इज मच एफिशिएंट एंड मच इजी टू मैनेज इट. क्लियर? सो दिस वाज वाटरवेज. एयरवेज क्या होते हैं? ऑल आर अवेयर, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड वेरियस अदर एयरपोर्ट, सारा कुछ कनेक्टेड है. ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बच्चा. यस, इट इज वेरी ट्रू. फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टीजियस. प्रेस्टीजियस एक लग्जरी, लग्जरियस ट्रांसपोर्ट बोला जाता है.
कैन कवर डिफिकल्ट टेरेन, हाई माउंटेन्स को एंड ओशन सीज वगैरह को बहुत इजिली कवर कर लेता है, उसमें कोई बिकॉज इट हैज टू गो फ्रॉम द अप अप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एयरवेज के लिए. एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड, कब इसे सेटअप किया गया था, एंड वॉज द फर्स्ट फ्लाई, दैट वॉज 1953. But in northeastern states, special provisions are made to extend the services to the common people. Northeastern states mein it is not very much affordability pe hum bol sakte hain, log accessible nahi hai iske liye, to usko abhi properly set up karna padega in the northeastern states, special provisions are, kyunki airways ke liye kya hota hai, proper ek scenario chahiye, ek airport chahiye landing ke liye and everything. ठीक है, फिर उसको मैनेज करने के लिए हर एक चीज की जरूरत होती है. सो दैट इज एयरवेज. एयरवेज के लिए हमें, दीज वर द फीचर्स ऑफ एयरवेज, एक बहुत प्रेस्टीजियस एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. क्लियर? सो दीज वर द फीचर्स ऑफ थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वॉज लेफ्ट. अब हमारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज कंप्लीटेड. हमने रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस एंड वाटरवेज, फीचर्स आर डन. एंड अब क्या कर सकते हो आप ना, इजिली आप इन्हें कंपेयर कर सकते हो, इनकी कॉस्ट पे कंपैरिजन हो सकता है एंड इनकी लैंडिंग पे कंपैरिजन हो सकता है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैंने आपको एयरवेज के लिए बताया, तो दीज आर द वेरियस बेसिस एंड वेरियस स्कोर्स बाय विच यू कैन कंपेयर दीज. ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. बी रेडी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. इन दैट वी विल बी एंडिंग द चैप्टर. क्लियर? This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.